हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से हो सके। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है द साइंस मास्टर ब्रिजेश ओझा। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आने वाला समय आप सभी के लिए काफी मंगलमय हो। काफी समय हो गया और काफी समय के बाद में मैं अपना ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास नाइन्थ के नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो चलिए सीधे ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं और क्या होता है और कैसे इसको मेजर करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। चलिए आज हम लोग ग्रेविटेशन के ऊपर में बात करते हैं और जानेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक के ऊपर में पहले डिस्कस कर लेंगे और जान लेंगे, ताकि आगे आने वाले समय पे अगर आने वाले टॉपिक्स में अगर उन टर्म का यूज किया जाए तो उनको हमको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए पहले उन सारी चीजों को समझ लेते हैं और उसके ऊपर में इस चैप्टर को ओपन अप करते हैं। तो सबसे पहले तो बात होती है कि आखिर ग्रेविटेशन क्या है। तो कह रहे हैं कि ग्रेविटेशन जो है, आपने जब पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि जो फोर्सेस होते हैं हमारे, जो फोर्स होते हैं, ये फोर्स दो तरीके के होते हैं। फोर्स को आप जानते ही हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स का मतलब होता है कि द पुल और पुश, एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। और ये फोर्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, एक को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? इट मींस द फोर्सेस दैट इज अप्लाइड बाय बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? जब हम कोई फोर्सेस किसी के साथ में रख करके अप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे अगर मैं इस पेन से या इस मार्कर से इस बोर्ड पे लिख पा रहा हूं, तो ऐसा तो मेरे पास में कोई मैजिकल वैंड है नहीं, कोई जादू की छड़ी है नहीं कि मैं बोलूं कि चलो पेन उठो और यहाँ पे लिख दो तो पेन अपने आप से लिख देगा। ऐसा कुछ होने वाला है? जी नहीं। इसको जब तक मैं अपने हाथ में होल्ड ना करूं और इसको लिखने के लिए यहाँ पे यूज ना करूं, तब तक मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा। यानी मैंने अगर यहाँ पे लिखा और कुछ फोर्सेज अप्लाई किए, तो उन फोर्सेज अप्लाई करने का मतलब क्या था कि मैंने इसके संपर्क में रह करके फोर्सेज लगाए। तो इसको अगर डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द फोर्सेस अप्लाइड बाय बीइंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इट मींस द फोर्सेस दैट इज नॉट अप्लाइड बाय बीइंग इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये होता है बाय बीइंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जिसके ऊपर में फोर्स लगाना है उसके संपर्क में रहना होगा, और नॉन कॉन्टैक्ट में By not being in contact with object, यानी इस फोर्स को लगाने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ में संपर्क में होना कोई जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं है, तो ये फोर्सेस किस तरीके से काम करेंगे और इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इनके ऊपर में पढ़ा है। तो अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो इसमें आते हैं हमारे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्सेस के ऊपर में हम बात करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होते हैं। तो वो फ्रिक्शनल फोर्सेस के ऊपर में हम बात करेंगे और जानेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो किसी भी दो सर्फेस के बीच में जब फोर्सेज अप्लाई किए जाते हैं तो उनको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेज। मस्कुलर फोर्सेज, मैकेनिकल फोर्सेज, ये सारे ऐसे फोर्सेज हैं जो बिना किसी के संपर्क में रहे अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं, तो इनको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में हमारे आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेज, मैग्नेटिक फोर्सेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, तो ग्रेविटेशनल क्या होता है? द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सरफेस इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अगर दो मैग्नेट हैं तो दोनों को एक पास में ले आएंगे तो उनके ऊपर में कुछ फोर्स जो है वो अप्लाई होगा, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं?
मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि भाई अगर कंघी सर पे रगड़ करके और कागज के टुकड़ों के पास में ले जाएंगे तो वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो खिंचाव है पॉजिटिव और निगेटिव का, अलग अलग उनके चार्जेस का, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। तो ये सारे फोर्सेस के लिए अप्लाई करने के लिए किसी तरीके के किसी संपर्क में होना उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, वो दूर से ही चीजों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और उन्हीं में से एक फोर्स जो है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके ऊपर में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऊपर में ही बात करेंगे और जानेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यहां पे ये है कि ये क्या है, यह ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या है और ग्रेविटी क्या है। तो हम लोग बात करते हैं कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस या ग्रेविटी की जब बात करते हैं तो ये ग्रेविटी क्या है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अर्थ टू पुल एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सरफेस, ठीक है ना। अब यहां पे जब हम बात करते हैं थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और हिस्ट्री में जब चलेंगे तो वहां पे बात आती है एरिस्टोटल की या अरस्तु जिसको कहते हैं हम लोग। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई सेब पेड़ से गिरता है तो वह नीचे अर्थ के सरफेस पे ही गिरेगा, ये जाहिर सी बात है, ये नेचुरल है। ये किसने कहा, ये अरस्तु ने कहा कि एरिस्टोटल ने कहा कि इफ एप्पल फॉल्स डाउन द अर्थ इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट एवरीथिंग फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। उनको इसमें कोई अट्रैक्शन या कोई ऐसी खिंचाव या कोई ऐसा बल उसके अंदर में उनको महसूस नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि बस ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि कोई भी चीज अगर गिरेगी तो वो नीचे अर्थ की तरफ ही गिरेगी। लेटर ऑफ द गैलीलियो थिंक डीपली अबाउट दिस टॉपिक एंड ही टर्न दिस फॉलिंग ऑफ द एप्पल टुवर्ड द अर्थ इज इन हिज वर्ड दैट दिस इज अ पुलिंग, अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सरफेस। तो यहां पे थोड़ी सी बदलाव हो गई, वहां पे उन्होंने कहा कि ये चीजें जो है नेचुरल है यानी ये अपने आप गिरती हैं, तो गिरेगी तो अर्थ पे गिरेगी। अब जब गैलीलियो की बात आई तो गैलीलियो ने इसको चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि कोई भी चीज ऐसे अपने आप नहीं गिरती है बल्कि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेता है। लेटर ऑन द ग्रेट माइंड्स द ग्रेट पीपल हैव द ग्रेट माइंड्स द न्यूटन न्यूटन सी द फोर्स इन्वॉल्व इन पुलिंग द एवरीथिंग अबाउट टुवर्ड द सर्फेस ऑफ द अर्थ। न्यूटन ने इसके अंदर मौजूद जो फोर्स था जिसकी वजह से कोई भी चीज जो है अर्थ के सर्फेस पर गिरती थी उस फोर्स के ऊपर में बात की। तो जहां अरस्तु को केवल ये नेचुरल प्रोसेस लगा, गैलीलियो को ये एक आकर्षण लगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, वहीं न्यूटन ने इसको बताया कि इसके अंदर में कोई फोर्स इन्वॉल्व है और उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर में न्यूटन ने इसके ऊपर में बात की। तो आज हम इस चैप्टर में इसी सारी चीजों के ऊपर में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। उस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोगों ने बात करी कि भाई टेंडेंसी ऑफ द अर्थ टू पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सरफेस इज नोन एज इट्स ग्रेविटी। ये अर्थ की ग्रेविटी है कि वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रखती है। एंड द फोर्स इन्वॉल्व इन पुलिंग द एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सरफेस इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे आप देख रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर में हम बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो यहां पे ये फोर्स की बात हो गई। तो ग्रेविटी अर्थ की टेंडेंसी है और ग्रेविटेशन क्या है, वो फोर्स है जिससे वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। अब यहां पे थोड़ी सी हम बात करेंगे एक दो टॉपिक के ऊपर में और उसके ऊपर में फिर जानेंगे कि आखिर चीजें होती क्या है। जैसे आप लोग अगर मैथ्स पढ़ते हो, हम लोगों ने बात किया है सर्कुलेटेड या सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन में सर्कुलर जो मोशन होता है आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे क्या होता जाता है, चेंज होता चला जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका डायरेक्शन यहाँ होगा, यहाँ पे है तो यहाँ होगा, यहाँ है तो यहाँ होगा। ये हम लोगों ने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो ये सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है, इट इज अ एक्सीलरेटेड मोशन। हर पॉइंट पे इसके डायरेक्शन में चेंज आती है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर चेंज आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी सर्कुलर मोशन अगर बॉडी कर रही है तो उसके लिए जो फोर्स अप्लाई होता है वो सेंटर से अप्लाई होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रीपिटल
फोर्स कहते हैं, द फोर्स अप्लाइड बाय द सेंटर टू कीप रिवॉल्विंग ए बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। कह रहे कि वो फोर्स जिसको अप्लाई करने के बाद में कोई भी बॉडी जो है एक सर्कुलर मोशन में रोटेट करती रहती है, सर्कुलर मोशन शो करती है, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे आपने एक धागे को बांध लिया अपने उंगली के साथ में और उसके एक किनारे पे पत्थर बांध दिया, उसको घुमाते हैं तो पत्थर घूमता रहता है, काफी तेजी से घूमता रहता है, लेकिन उसके लिए जो घूमने के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कहां से हो रहा है? आपकी उंगलियों से हो रहा है। तो उंगलियों से धागे की जो लंबाई है वो उसका रेडियस है, और उसी रेडियस में वो क्या हो रहा है? गोल 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 घूम रहा है। जहां भी जिस पॉइंट पे भी आप छोड़ेंगे वो उसी पॉइंट से क्या होगा? सीधा आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना? उसी पॉइंट से क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ जाएगा। यहां पे छोड़ दिया तो यहां से आगे की तरफ बढ़ जाएगा, यहां से छोड़ दिया तो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। यानी किसी भी पॉइंट पे आपने उसको छोड़ दिया तो उसी पॉइंट से वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब जिस वेलोसिटी से ये आगे की तरफ बढ़ेगा उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको? टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हो कि किसी सर्कल में कोई सर्कल है और इसको छूती हुई कोई लाइन जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं इसको? टेंजेंट। टेंजेंट या स्पर्श रेखा कह सकते हैं इसको, जो सर्कल को छूते हुए चली जाती है तो उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो यहां पे ये वेलोसिटी क्योंकि सर्कल के सबसे बाहरी हिस्से से हो रही है तो इसीलिए इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहां पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने जाना और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में जाना। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप मूविंग एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सन। सन जो है, सन के फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो उन सभी को एक सर्कुलर पाथ में या इलेप्टिकल पाथ में उनको रोटेट करता रहता है, घुमाता रहता है उनको। तो उसके ऊपर में हम लोग जानेंगे और सीधे चलते हैं कि बात करते हैं कि आखिर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो किन किन चीजों के ऊपर में डिपेंड करता है। तो यहां पे बात हुई कि आखिर ये जो ग्रेविटी है या जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमारे आपके और हर चीज के बीच में अप्लाई होता है। अगर हम आप अगर बात करें तो हमारे और आपके बीच में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो कम होती है किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट में। अब ये जैसे इसका कैप है और ये मार्कर है तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है काम कर रही है, एक दूसरे को ये दोनों खींच रहे हैं, लेकिन इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हुए महसूस नहीं होते हैं। मैं भी इस मार्कर को अपनी तरफ खींच रहा हूं, लेकिन हम दोनों के बीच में लगने वाला यानी मार्कर और मेरे बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो काफी कम है, जिसकी वजह से हम महसूस नहीं कर पा रहे कि ये मेरी तरफ खींच करके आ जा रहा है। अगर ऐसा होता तो हम बैठे बैठे टीवी का रिमोट कहीं से भी उठा लेते, खींच लेते उसको अपनी तरफ, बिकॉज वी हैव द लार्जर मास देन द रिमोट, तो उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, पानी का ग्लास कहीं से उठा कर ले लेते। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है हमारे या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में वो काफी कम है। उसी को हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो किस तरीके से हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ ये जो हमारा एटमोस्फियर है, ये एटमोस्फियर की जो रचना है, एरियल जो एयर्स के बैलेंस है, जो गैसियस बैलेंस है, उसको मेंटेन करने में भी हमारी ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है। हाई टाइड लो टाइड की कंडीशंस के ऊपर में बात करेंगे और जानेंगे बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर में। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले। तो अभी हम लोगों ने बात करी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या है? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ी सी किस बात पे डिपेंड करती है? इट इज डिपेंड चलिए तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये किस बात पे डिपेंड करती है? इट इज डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। तो ऑब्जेक्ट के मास पे कैसे डिपेंड करता है? कह रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज स्मॉलर फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना।
अगर छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए कि दो एक एक किलो के कोई ऑब्जेक्ट्स हैं और उन दोनों को हमने पास पास में रखा है, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो काफी कम होगा, ठीक है ना। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये M1 है और ये M2 है, और इनके बीच में जो लग रहा है फोर्स, फोर्स कहां से लगेगा, सेंटर से लगेगा, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो काफी कम होगा, ठीक है। इसी तरीके से द फोर्स बिटवीन बिटवीन लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन लार्ज ऑब्जेक्ट्स विल बी लार्ज, ठीक है। तो दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये सन मान लेते हैं, ये सन है और ये अर्थ है, तो दोनों के मासेस जो है वो काफी ज्यादा है और दोनों एक दूसरे के ऊपर में कुछ फोर्सेस अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये फोर्सेस जो अप्लाई होंगे वो फोर्सेस क्या होंगे, काफी ज्यादा होंगे क्योंकि इनके मासेस काफी ज्यादा है, तो मासेस ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी काफी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लोग इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे कि यानी यहां पे हम लोगों ने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट के मासेस काफी ज्यादा है, उसके मासेस ज्यादा है, तो उनके ऊपर में लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो चलिए अभी हम लोग आगे बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। चलिए चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यानी हम बात करेंगे कि अगर इस यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो क्या होगा और उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ये ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी है, तो इनके बीच में इन दोनों के मासेस हैं, एक का मास है एम वन, एक का मास है एम टू, और इनके बीच की जो दूरी है वो है आर। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो किस बात पे और कैसे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले भी बात किया कि अगर ऑब्जेक्ट के मासेस कम है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगा, और मासेस ज्यादा है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा वो ज्यादा होगा। यानी सीधी सीधी बात करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस बात पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड करता है उनके मासेस के ऊपर में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी दोनों ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास में ए और बी है तो ये भी कुछ फोर्स अप्लाई करेगा इस ऑब्जेक्ट पे और ये भी कुछ ऑब्जेक्ट इसके ऊपर में फोर्स अप्लाई करेगा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों के मासेस जो है वो डिसाइड करेंगे कि इनके ऊपर में लगने वाला फोर्स कितना है। तो हमने बताया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू, ये इक्वेशन हमारा वन हो गया। तो ये दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर में इनके ऊपर में लगने वाला फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा। दूसरा है द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कह रहे कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है अगर ये दूरी को कम कर देते हैं, तो दूरी को कम कर देंगे तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, दूरी को बढ़ा देंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इसलिए इनके जो दूरी है, दूरी जब बढ़ेगी, दूर होंगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब उनको और नजदीक लेके आएंगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स और क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे दो मैग्नेट्स अगर आपने ले लिए और उनको काफी दूर रखा हुआ है तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उनको नजदीक लेते आएंगे उनके ऊपर में कुछ ना कुछ फोर्सेस जो है हमको महसूस होंगे कि उनके ऊपर में कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, और वो फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। करें वैसे ही यहाँ पे जो फोर्स है जो लग रहा है इसके ऊपर में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में लगने वाले डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। यानी अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो ये जो फोर्स है वो चार गुना कम हो जाएगा, और अगर आपने इस फोर्स डिस्टेंस को आधा कर दिया तो उसके ऊपर में लगने वाला फोर्स चार गुना बढ़ जाएगा। यानी क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर के आप सोचिए, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे फोर्स लगा रहा है, तो जब दूरी कम होगी तो दोनों के लिए कम होगी और दोनों के ऊपर में लगने वाले फोर्स जो होंगे वो स्क्वायर में पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप दोनों को जोड़ देंगे तो हमको एक रिलेशन मिल जाएगा कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रखते हैं हम लोग, और वो कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है, कैपिटल जी है।
यानी ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और G किसके लिए है यहां पे, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। तो किसी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, किसी छोटे ऑब्जेक्ट के लिए G की वैल्यू जो है हमेशा फिक्स होती है। अब यहां पे अगर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि G की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि G की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे जानेंगे इसके बारे में कि G की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें G की वैल्यू, तो G इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। तो आप जानते हैं अगर SI यूनिट अगर फाइंड आउट करें तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, दिस इज द SI यूनिट। ये SI यूनिट किसका है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये SI यूनिट है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है हमेशा एक बराबर होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, G इज इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है। अब आपको यहां पे एक थोड़ी सी जानकारी दे दें, क्योंकि आपके कोर्स में है नहीं कि क्योंकि इसको कैसे निकाला गया है। एक साइंटिस्ट थे 17th सेंचुरी में जिन्होंने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश ने दो लेड की बॉल्स को एक रॉड के ऊपर में, 2 फीट लंबे रॉड के ऊपर में दोनों किनारे पर रख दिए, और उनके अगल बगल में 2 बड़े बड़े लेड के बॉल्स रख दिए, जो उसके टॉर्सन जो वेलोसिटी होती है, जो टॉर्सन फोर्स होता है, टॉर्सन यानी बलय यानी एठन, तो उस एठन की वजह से अगर किसी को भी इंडिपेंडेंटली आप ऐसे लटका देंगे तो ये अपने आप घूमना स्टार्ट कर देता है। तो ये घूम करके किसी एक जगह पर जब कॉन्स्टेंटली रुका तो उसकी वेलोसिटी को उन्होंने मेजर किया हेनरी कैवेंडिश ने। थोड़े हायर क्लासेस में जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पे आपको पढ़ने को मिले। तो हेनरी कैवेंडिश ने इस जी की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, और उन्होंने जो जी की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी इस वैल्यू से। ये 6.67 है, उनका साइज 6.75 ऐसे कुछ था, जिसको बाद में बेहतर तरीके से बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से खोजा गया और पाया गया कि ये 6.67 ही होता है। यह आपको जान करके हैरानी होगी कि जब न्यूटन की हम बात कर रहे हैं और न्यूटन ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात करी थी, उसके 100 सालों के बाद हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। जब न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया तो उस समय तक इस कैपिटल जी की वैल्यू के बारे में किसी को पता नहीं था और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, इवन न्यूटन को भी नहीं थी। तो 100 सालों के बाद में हेनरी कैवेंडिश ने अपने कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, जो कि काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है, आप लोग थोड़ा अगर डिटेल में जाना चाहें तो इंटरनेट पे जा करके हेनरी कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट के बारे में खोज सकते हैं और जान सकते हैं कि वो किस तरीके का एक्सपेरिमेंट था और टॉर्सन वेलोसिटी क्या होती है और टॉर्सन फोर्सेस क्या होते हैं। वहां पे उन्होंने इसको फाइंड आउट किया कि उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया। तो जी की वैल्यू वहां से निकल करके हम लोग के सामने आई। तो ये जी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा जो होती है वो एक समान होती है, चाहे वो कहीं पर भी हो, ठीक है ना। अब इस जी की वैल्यू की वजह से ही अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि जी की वैल्यू क्या होगी, तो अगर जी की वैल्यू किसी 2 छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर निकालते हैं और 2 बड़े ऑब्जेक्ट के लिए निकालते हैं तो वो जी की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। तो कह रहा है कि टू स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 1 kg, ठीक है। तो M1 जो है 1 kg का है, और ये जो M2 है ये भी कितने का है, 1 kg का है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हम जानते हैं कि G, और इनके बीच की जो दूरी है ये भी कितना है, वह R जो है 1 meter है। तो G M1 into M2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये दोनों की वैल्यू जो होगी, ये G इज इक्वल टू 1 into 1 अपॉन 1 स्क्वायर, यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। और G की वैल्यू आप लोगों ने अभी फाइंड आउट किया कि G की वैल्यू कितनी है, 6.67 into 10 raised to the power minus 11, यानी इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा
वो फोर्स कितना होगा, 6.67 × 10⁻¹⁻ जो है वो फोर्स होगा, और माइनस 11 एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, यानी इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो काफी कम होगा, जिसके बारे में इनको पता नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच भी रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये दो छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट हुई। अब चलिए इसी तरह से बात करते हैं कि अगर एक छोटा ऑब्जेक्ट है और एक बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो क्या होगा। चलिए अब देखते हैं कि एक छोटे ऑब्जेक्ट और एक बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में जी की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए फाइंड आउट करते हैं वन बिग एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट तो इनके बीच की वैल्यू क्या होगी। एक छोटा है और एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच की जो वैल्यू है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनकी वैल्यू क्या होगी। मान लेते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है हमारा, इसके ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये M2 है, ये M1 है, तो अर्थ का जो मास होता है कितना होता है 6 × 10⁴ kg, ये है 1 kg, और इनकी जो दूरी है ये है R, R कितनी हुआ है 6.4 × 10⁶ m, ये R की वैल्यू है, इनके बीच की जो दूरी है वो R है। और g की वैल्यू आपको पता ही है कि g कितना है 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इनके ऊपर में अगर फोर्स की गणना करेंगे तो g m इनटू m अपॉन r स्क्वायर, तो इसको रख देंगे 6.67 × 10⁻¹⁰ इनटू 6 × 10⁴ × 1 अपॉन 6.4 × 10⁶ स्क्वायर, और जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 9.8 न्यूटन। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 9.8 न्यूटन आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है जैसे कि अर्थ है, हमको अपनी तरफ किस फोर्स से खींच रहा है, 9.8 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, एंड इट इज द लार्जेस्ट फोर्स दैट इवन वी आर अप्लाइंग ऑन ईच अदर। जैसे हम और आप किसी एक दूसरे के ऊपर में जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो फोर्स कितना था 6.67 × 10⁻¹⁰, वो काफी कम था, जिससे कि हम एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींच पाते हैं। लेकिन जो अर्थ फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई कर रहा है वो कितना है, वो है 9.8 न्यूटन का। तो इस फोर्स के साथ में अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रहा है, तो हम अर्थ के साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में जाना और जाना कि छोटे और बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो फोर्सेस लगते हैं वो क्या होते हैं। अब ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस हैं इनकी वजह से टाइड का फॉर्मेशन होता है, टाइड्स फॉर्म होते हैं, यानी टाइड्स का बनने का जो कारण है वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल पुल है। सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वाटर का लेवल जो है राइज होता है, तो वाटर के लेवल का राइज होने की कंडीशन को टाइड्स कहते हैं हम लोग। तो दिन में दो बार टाइड्स का फॉर्मेशन होता है, दोपहर में और आधी रात के समय में। जो लोग समुद्री इलाकों में गए होंगे घूमने के लिए, उन्होंने ऐसा महसूस किया होगा कि समुद्र का जल स्तर जो है एक समय पे काफी एक पर्टिकुलर टाइम पे इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो हो रहा है उसके होने का कारण क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है सन का और मून का। इसी तरीके से अगर अर्थ के चारों तरफ अगर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट जो है रिवॉल्व हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, जो सेंट्रिपिटल फोर्स है अर्थ का, उसी की वजह से वो सारे के सारे सैटेलाइट जो है एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। बारिश होती है तो बारिश होने का कारण भी क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ऊपर से नीचे की तरफ बरसात होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से होती है। चलिए अब आगे आएंगे तो इसके बाद में हम लोग न्यूटन के लॉ के बारे में बात करेंगे कि इनवर्स स्क्वायर रूल क्या होता है, और जानेंगे केपलर के नियम के बारे में, और जी की वैल्यू यानी स्मॉल जी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जानेंगे, बहुत सारी चीजें लेकर के आएंगे। और बड़े जल्दी ये चैप्टर हो सकता है कि कल आने वाले हमारे वीडियो में जरूर से ये समअप हो जाए, खत्म हो जाए चैप्टर। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से आपके चैप्टर को खत्म किया जाए। टिल देन एंजॉय करिए, छुट्टियों का आनंद लीजिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।